वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी मनोज शर्मा ने भी जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। चुनावी रणनीति के तहत कार्य कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी मनोज शर्मा पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में जनता की हर मांग पर खरे उतरने की कोशिश करने वाले पूर्व पार्षद मनोज शर्मा दिन रात एक करते हुए अपने वार्ड में निरंतर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए और इनका चुनाव निशान सिलाई मशीन है, जिस पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी होने के लिए मनोज शर्मा अपने साथी व सहयोगियों सहित चुनाव प्रचार में जुड़ गए हैं। तो फिर विचार करो, अभी पांच से आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल लोगों का देख रहे हैं? मुझे लोगों का भारी आशीर्वाद लेकर समर्थन मिल रहा है और मैं अपने पूरे वार्ड वासियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना जोरदार आशीर्वाद दिया। आप पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं और इस तरह से लगता है वार्ड में कमी रह गई, अब की बात क्या लगता है, कितने दिनों में उस कमी को पूरा करें? मैं जल्द से जल्द, जितने मैं 10 साल 5 साल चुनाव नहीं हो पाया, 5 साल रहे, मैंने 9 नंबर वार्ड से पहले पार्षद रहा हूँ और थोड़ी बहुत कमियां जो रह गई वो पूरी हो जाएंगी। देवड़ गांव में भी 1.5 करोड़ के आसपास मैंने काम करवाया है और जीवन बिहार और विकास में मेरा जो एरिया है वो काफी टाउन एरिया है, सलम एरिया मेरा, और मैं ज्यादा से ज्यादा देवड़ गांव और ये पोर्शन को ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। सलम एरिया में सुविधाओं की और ज्यादा जरूरत रहती है, शिक्षा स्वास्थ्य अगर हम मान के चलें कि जैसे गलियों में पानी भरा हुआ है, किस तरह से क्या लगता है कितने समय में ये लोग आपसे संतोष हो जाएंगे कि आपने अच्छा काम किया? हमारे निगम में बहुत बजट है और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँ कि पहले ही मीटिंग में ही काम पूरे करवाने की कोशिश करूँ। चुनाव प्रचार आपका लगातार जारी है, कब से चुनाव प्रचार शुरू किया था और हो सकता है शनिवार या शुक्रवार की रात को प्रचार रोक दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि अब तक के किए गए चुनाव प्रचार में आपकी जीत निश्चित है? जीत लोगों के समर्थन के साथ बहुत भारी वोटों से मुझे जीत की उम्मीद है और मैं ये चाहूंगा कि लोग मुझे और ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं इनकी सेवा में आज 24 घंटे समर्पित रहूं।